नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देसी खेती की ओर से। और आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं में अगर चूहे लगे हुए हो तो आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो आज मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं वो बहुत आसानी से आप उपयोग कर सकते हैं और उससे काफ़ी हद तक आप चूहे को नियंत्रित कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपको ऐसे, ये आप देख रहे हैं, ये इसका बांस का एक डंडा लगा रखा है किसान भाई ने। ये इसका फ़ायदा ये है कि आप जब इसको अपने गेहूं की फसल में लगा देंगे, उस जगह लगाएंगे जहां पर चूहे ने अपना बिल बना रखा है। तो क्या है कि जब चूहा यहाँ घूमता ही रहता है तो जब पक्षी ऊपर बैठेगा तो उसके निगरानी में अगर वो आ जाएगा तो पक्षी सीधा उसको अपना शिकार भी बना लेगा। आपने बहुत सारे पक्षी देखे होंगे जो चूहे खाते हैं तो सीधा उस पर अटैक कर देंगे, उस पर निगरानी रखेंगे, तो इससे काफ़ी हद तक चूहों पर नियंत्रण हो जाएगा। आप देख रहे हैं गेहूं में कहीं कहीं आप जहाँ पर चूहे लगे हुए हैं, किसान भाइयों ने उसको ऐसे नियंत्रित कर रखा है, ये देख रहे हैं आप दो। और आगे भी मैं आपको बताता हूँ, आज काफ़ी ठंड है, आप देख रहे हैं ओस भी बहुत ज़्यादा है। गेहूं की फसल इस समय काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, आप देख सकते हैं। जहां पर चूहे ने अपना बिल बना रखा है उसी जगह आपको ये एक लकड़ी गाड़ देनी है। क्या है कि जब पक्षी उस पर बैठेंगे, जो शिकारी पक्षी है चूहे के, तो उसका सीधा शिकार कर लेंगे। ये देख सकते हैं आपने, जगह जगह पर किसान भाइयों ने ऐसे खंभे लगा रखे हैं जहाँ पर चूहे ज़्यादा अपना बिल बना रखे हैं। देख सकते हैं आगे भी ऐसे किसान भाइयों ने, सभी ने अपने अपने खेत में ऐसे बिल लगा रखे हैं, ये आप देख सकते हैं वीडियो में।